दोस्तों, अरावली पर्वतमाला भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है, जो लगभग 60 करोड़ वर्षों से भी अधिक पुराना है। अरावली पर्वत की उम्र की तुलना अगर हिमालय पर्वत से की जाए तो हिमालय पर्वत इसके सामने एक छोटा सा बच्चा है। ये पर्वतमाला देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैली हुई है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अरावली पर्वतमाला के बारे में कुछ रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अरावली पहाड़ियाँ भारत के 4 राज्यों में फैली हुई है, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली। यह पर्वत श्रेणी गुजरात के अहमदाबाद और राजस्थान के अजमेर और जयपुर होती हुई हरियाणा के दक्षिण भाग में प्रवेश करती हुई दिल्ली के दक्षिण भाग तक जाती है। दिल्ली पहुंचने पर इसकी ऊंचाई बेहद ही कम हो जाती है और ये मैदानों में विलीन हो जाती है। इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है और इस पर्वत श्रृंखला का 80% भाग राजस्थान में है और ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान को उत्तर से दक्षिण की ओर 2 भागों में बांट देती है। दोस्तों, क्या आपको पता है दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कि अरावली पर्वतों का ही भाग है। अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग 400 से 600 मीटर है और कहीं कहीं 1000 मीटर से भी अधिक है और चौड़ाई की बात करें तो 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। दोस्तों, ये पर्वत दक्षिण भाग में अधिक चौड़ी और ऊंची है, जबकि उत्तर की तरफ जाते हुए इनकी ऊंचाई कम होते जाती है और अरावली के दक्षिणी पहाड़ियों में ही हरियाली और घने जंगल पाए जाते हैं, जबकि उत्तर में ज्यादातर क्षेत्र रेतीले और पथरीले हैं। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो कि सागर तल से 1722 मीटर ऊंची है और ये माउंट आबू शहर में स्थित है। दोस्तों, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में विशाल थार मरुस्थल है और इस पर्वत ने इसे पूर्व की ओर फैलने से रोकती है और यही कारण है कि थार का रेगिस्तान दिल्ली या भारत के पूर्व तक नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा अरावली पर्वत कई जीवनदायिनी नदियों का उद्गम स्थल भी है। अरावली पर्वत में फैले हुए वन प्रदूषण को कम करने तथा पर्यावरण को संतुलित करने में बहुत सहायक है। दोस्तों, इस पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा राजस्थान की सीमा से लगा हुआ मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन जीव अभ्यारण्य से होकर भी गुजरता है। यहाँ पर आपको कई स्थानों पर पाषाणकालीन मानव सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पत्थरों पर बने शैल चित्र देखने को भी मिलते हैं, जो कि कार्बन डेटिंग के अनुसार 35,000 साल तक पुरानी बताई जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।